वेलकम बैक टू माई चैनल साथी हो। जैसे कि आज तपाईलाई थाहा छ कि आज मदर्स डे हो र सबै आमाहरुलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो च्यानलको तर्फबाट ह्याप्पी मदर्स डे। अन्त आज हामी चर्चमा आएका छौँ। आज हामी चर्चमा मदर्स डे कसरी मनाउँदो रहेछ र किन मनाउनु पर्दो रहेछ त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ र तपाईँहरू स्टे ट्युन बस्नुहोस् र हामी सबैजना भएर आज मदर्सहरूलाई इज्जत दिनेछौँ र मदर्सहरूलाई हामी आज सम्मानको साथमा उहाँहरूलाई इज्जतको साथमा हामी उहाँहरूसित गाउनेछौँ, बजाउनेछौँ र मजा गर्नेछौँ, खानेछौँ, सबै कुरोहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू। म सुजाता हुनुहुन्छ, हाम्रो एलिसीमा हामी सँगै काम गर्छौँ। सुजाता तपाईँले भन्नुहोस् कि आज मदर्स डे होइन हामी मनाउँछौँ, विश्वभरिको मान्छेहरूले आज मदर्स डे मनाउँछ र मदर्स डे चाहिँ किन मनाउनुपर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको अनुसार के लाग्छ मदर्स डे किन मनाउनुपर्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ किनभने हाम्रो आमाहरूको निम्ति एउटा उत्सव पनि मद हो, किनभने आमाहरूले हामीहरूको निम्ति धेरै दुःख पिर गरेर हामीलाई हुर्काइबाटै सालमा एकपल्ट हामीले आमालाई सम्मान दिनुपर्छ। यसको निम्ति म त लाग्छ कि आमालाई बच्चादेखिको हामीलाई है आमाहरूले यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ, यति साह्रो गर्नुहुन्छ त एकपल्ट पनि उहाँहरूले हाम्रो निम्ति मतलब उसले पाउँदैन है हाम्रो। त्यही भएर आज हामी वर्षमा एकपल्ट हामीले आमाले सम्मान चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। थ्याङ्क्यु दाइ। सबैको जयमसी जयमसी आपके जीवन में भी, एक माँ के जीवन में भी अपने परिवार को संभालने का, अपने बच्चों को संभालने का, अपने लोगों को संभालने की
जिम्मेदारी या बोझ जो है वो निश्चित रूप से होने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये दूसरे लोग नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और जैसे मैंने कहा, ये एबिलिटी, ये सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने माँ को दिया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके जीवन में अपने जिम्मेदारी के लिए आपके बोझ होना जरूरी है, अपने जिम्मेदारियों से न भागे। छाता लिए है के अरे घाम पनि छिल्ने प्लस हावा पनि छिल्ने ए प्लस पानी पनि छिल्ने गिफ्टको पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर खुसी रहेछ चाहिँ कुन चाहिँ कलरको पाएँ हेरौँ वाउ सो ब्युटिफुल कलर वाउ दामी 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 ला ए दामी 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 प्रशांत भाई है। प्रशांत भाई, आज मदर्स डे आपको मना के कैसा लगा और आप आपको क्या लगता है मदर्स डे मनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मदर्स डे बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है अपने परिवार के लिए, बहुत मेहनत और सब कुछ करता है, इसलिए मदर्स डे उनकी सम्मान के लिए हमें मनाना चाहिए। थैंक यू भाई। नमस्कार चाचा। नमस्कार। ये हमारा रामनाथ साहनी चाचा है जो हमारे बगल में रहते हैं। तो चाचा जी, आज आपको मदर्स डे मना के कैसा लगा और आपको क्या क्यों लगता है कि मदर्स डे होना जरूरी है? जरूरी है इसलिए मनाया जा रहा है कि उन्होंने काम किया है सबके लिए, घर परिवार के लिए, देश के लिए, युद्ध के भी प्रयास करते हैं, सबको निभा रहे हैं, पूरे घर परिवार को भार लेकर के चल रहे हैं और देश का भी वो ख्याल करते हैं, इसीलिए हम लोग को मदर्स डे मनाना चाहिए, है कि नहीं? मदर्स डे मनाना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, सबसे पहले।
भाई हैं। तो विकास भाई, आपको मदर्स डे मना के कैसा लगा और मदर्स डे क्यों मनाना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि मदर्स डे मनाना चाहिए? क्योंकि हम लोग पूरे साल हम लोग मेहनत करता है रहता है ना, तो ये आज के दिन में ही हम लोग सब साथ मिलके मनाते हैं, और ऐसे भी रोज मनाना चाहिए। तो रोज मनाना चाहिए ना, मदर्स डे हर दिन मनाना चाहिए। हाँ, माँ सेवा करना चाहिए। हाँ, माँ का सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खर्चा है हम लोग के लिए। लेकिन आज के दिन में हम लोग साथ मिलकर मनाते हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप तो आते हैं।